गर्मियों में ऐसा फैन हो तो मजा ही कुछ और है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है सईद माज गिलानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज आप देख रहे होंगे भाई मैं किस तरह के फैन के आगे खड़ा हूँ। भाई आज हमने बनाया है गर्मियों के लिए बड़े ही बेहतरीन प्रोडक्ट। दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप इस तरह का बड़ा एक 24 इंच का मिस्टिंग फैन बना सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे ठंडी ठार हवा मिल रही है और आप मैंने जो है इसके अंदर टोटली जो है 12 नोजलों का इस्तेमाल किया है ताकि मुझे ठंडी ठार हवा मिलती रहे और इस नोजलों के जरिए मुझे जो है यख ठंडी हवा मिल रही है। और आप जो है इस तरह अपने घर में खुद भी मिस्टिंग फैन बना सकते हैं जिस तरह आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आने वाली है इस मिस्टिंग फैन के ऊपर। तो आप जाके इस मुकम्मल वीडियो को देखोगे किस तरह मैंने इसको बनाया है, क्या क्या सामान का इस्तेमाल किया है और मैं इतने देर में लेता हूँ इसकी ठंडी ठंडी हवा। तो जाओ वीडियो को देखो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। मैं इतना कर रहा हूँ जी इससे मज़े। तो लीजिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किस तरह हमने जो है मिस्टिंग फैन को अपने बनाया था और मिस्टिंग फैन को बनाने के लिए आपको किस किस सामान की ज़रूरत है। तो आज हम बड़ा जो मिस्टिंग फैन बनाने वाले हैं टोटली पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, क्या क्या सामान इस्तेमाल करने वाले हैं और गर्मियों के लिए ये मिस्टिंग फैन बहुत ज़रूरी है क्योंकि गर्मियों में अगर आप बंदा आउटडोर में बैठता है या सहन वगैरह में बैठता है अपने घर के, तो अगर ये मिस्टिंग फैन चल रहा हो तो आपको ठंडी ठार हवा मिलती है, आपको एयर कूलर वगैरह लेने की जरूरत नहीं क्योंकि उसको लेके जाने में पानी डालने में बहुत ज़्यादा जो है मेहनत लगती है। लेकिन मिस्टिंग फैन का सबसे फायदा ये कि एक तो ये पोर्टेबल होता है, जहां मर्जी उठाओ इसको ले जाओ। तो मिस्टिंग फैन बनाने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास काफी सारा सामान पड़ा है। तो यहां पर मेरे पास कुछ पंप पड़े हैं जो कि मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। ये बहुत ही कमाल के हाई क्वालिटी की और पावरफुल पंप है तो ये इस्तेमाल करने वाला हूं मैं। डबल मोटर के अंदर आप देख सकते हैं ये पेस कंपनी का पंप है और इसके जो एम्पेयर है 6 एम्पेयर का पंप है और इसका प्रेशर जो है 150 PSI है। और उसके बाद दोस्तों मेरे पास है जी यहां पर नोजल है। तो बहुत से दोस्त ये पूछते हैं कि भाई नोजल कौन सी अच्छी होती है और कौन सी नोजल से अच्छी मिस्ट बनती है। तो भाई मैं जो मिस्ट बनाने के लिए नोजल का इस्तेमाल कर रहा हूं वो ये है जो कि 0.3 mm के अंदर है, बहुत कमाल की और अच्छी नोजल है और इसके जरिए आपको बहुत बारीक जो है मिस्टिंग मिलती है। तो ये काफी सारी नोजल है मेरे पास, अगर आप में किसी को ये प्रोडक्ट चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारी चीजों का, आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद नोजल के लिए आपको पता है बेस की जरूरत होती है, काफी सारी हमारे पास बेस अवेलेबल है यहां पर जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। इस बेस का फायदा यह होता है इसके ऊपर आप नोजल भी क्लिक कर सकते हैं और अपना पाइप भी लगा सकते हैं क्योंकि नोजल को और पाइप को लगाने में के लिए कुछ पहले जो हमारे पास बेस आती थी उसके अंदर केबल टाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता था, उसके लिए जो है गर्म करके पाइप को लगाना पड़ता था। लेकिन इसके अंदर कोई भी जरूरत नहीं है, आप यहां पर दे सकते हैं जैसे कि ये मेरे पास नोजल है और उसके बाद जैसे कि ये बेस है इसको मैं जैसे ही मैं इसके साथ लगाऊंगा और यहां पर जो है क्लिक साउंड आएगा और ये नोजल लग चुकी है, कोई किसी चीज की एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं, आपने इसके साथ लगा लेना। उसके बाद जो पाइप का इस्तेमाल करूं दोस्तों वो ये है जी, बहुत ही कमाल का प्रोफेशनल पाइप है और हाई प्रेशर पाइप है, इसका इस्तेमाल करना। ये प्लास्टिक का पाइप होता है, ये भी जो पाइप सेम जो है आपकी नोजल की बेस के अंदर सेम ये भी क्लिक हो जाता है, जिस तरह मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये हो चुका है क्लिक और ये बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला जब तक आपको यहाँ से प्रेस करके ही नहीं निकालेंगे। तो ये बहुत ही कमाल का हाई जो है प्रोफेशनल और हाई जो है प्रेशर वाला पाइप है, इसको हमने यूज़ करना है फिटिंग करने के लिए। तो अब जल्दी से हम फैन के ऊपर फिट करते हैं। आप फैन जो है कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं घर के अंदर, 24 इंच का फ़ैन होता है ज़्यादातर डिजिटल फैन जो घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस 24 इंच के डिजिटल फैन के ऊपर हमने जो मुकम्मल मिस्टिंग की फिटिंग करनी है, देखते हैं इसके ऊपर कितनी नोजल हम लगा सकते हैं और किस तरह की ठंडी हवा आती है। तो सबसे पहले हम इसका जो है जाल उतार लेते हैं ताकि हम इसके ऊपर अपने नोजलों को फिट कर सकें। तो लीजिए दोस्तों मैंने इसका जाल उतार लिया, उसके बाद अब हमने इसके ऊपर जो है नोज़ल फिट करनी है। तो जल्दी से अब जो है नोज़लों की फिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसके अंदर जो हूँ काफ़ी सारी नोज़लें इस्तेमाल करने लगाने वाला हूँ। तो टोटल जो मैं नोज़ल इसके अंदर लगाने वाला हूँ, एक हम यहाँ पर लगा देंगे, उसके बाद दोस्तों एक हम यहाँ पर लगा देंगे, उसके बाद एक यहाँ पर लगा देंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक हम यहाँ पर। तो टोटल दोस्तों तो आप देख सकते हैं हमने लगानी है जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल जो है दोस्तों मैं इसके ऊपर जो है 12 नोजल लगाने वाला हूँ और 12 नोजल से हम देखेंगे कितनी ज़्यादा हमारी मिस्ट बनती है और इसी मिस्टिंग से आप जो है ठंडी ठार हवा ले सकते हैं। तो जल्दी से आप फिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर फिटिंग करना दिखाता हूँ कि किस तरह आपने फिट करना है। फिटिंग करने के लिए मैं केबल टाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इन केबल टाइज के जरिए हमने सारी बेस को कनेक्ट करना है, उसके बाद पाइप के पीसेस मैंने बना लिए हैं। तो अब इसकी फिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी टी को यहाँ पर फिट कर लेते हैं।
तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सारी की सारी बेस हो चुकी हैं फिट। इसके ऊपर आप देख सकते हैं बड़ी तरतीब से हमने जो है इसके ऊपर बेस फिट की है। जो जिस तरह मैंने फिटिंग की है, इस तरह आप लोग भी करके अपने लिए जो है खुद का मिस्टिंग फैन बना सकते हैं। और उसके बाद इसके ऊपर नोजले वगैरह भी फिट करनी है, लेकिन उससे पहले हम इस जाल को अपने जो है पहले फ़ैन के ऊपर फिट कर लेते हैं और फिर जो है हम इसकी बाकी फिटिंग करेंगे। तो इसको फिट करना बहुत ही आसान है बेस को। उसके बाद बेस लगाने के बाद हमने इसकी तमाम नोजले वगैरह लगा लेनी है और इसके पंप की भी जो है वायरिंग वगैरह कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो है फ़ैन के ऊपर सारा सामान फिट कर लिया है, यानी कि जाल वगैरह कस लिया है। अब बारी हो चुकी है इसके पंप की वायरिंग करने की। तो पंप की वायरिंग करने के लिए मेरे पास स्पेशल जो है यही पाइप है सेम जो हमने इसकी वायरिंग के लिए इस्तेमाल किया है। तो मैं इसको यहाँ पर इसकी टी के साथ अटैच कर दूँगा ताकि यहाँ से पानी जो है इन होकर जाए। उसके बाद ये आ चुकी है इसकी दूसरी साइड। इस दूसरी साइड को हम इसके पंप के ऊपर यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो लीजिए जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो है पंप के साथ वायर वगैरह इसके जो पाइप वगैरह जो है वो कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद इस पंप को लेकर चले जाते हैं बैक साइड पे जहाँ पर हमारी बैटरी पड़ी है। तो ये पड़ी है जी बैटरी, इसके साथ मैंने फ़ैन की वायर भी अटैच की हुई है और सेम पंप की वायरिंग भी हमने इसके साथ अटैच कर लेनी है। लेकिन उससे पहले जो है हम इसके साथ पानी वाला पाइप भी अटैच कर लेते हैं ताकि हम इसे पानी भी आसानी से दे सकें। और जब पानी इसके अंदर जाएगा तो हमारी मिस्टिंग बनकर बाहर आ जाएगी। और ये जो साइड है हम पानी के अंदर इसके अंदर डाल देते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये जो वायरिंग वाली दो इसकी वायर्स हैं पंप की, इसको मैं अटैच कर देता हूँ अपने पंप के साथ। तो यहाँ पर मैं एक दफ़ा इसको ऑन कर देता हूँ ताकि हमारा पानी जो है हमारी नोज़ल वाली बेस से बाहर आ जाए। ये आप देख सकते हैं पानी आ चुका है। आपने नोज़ल लगाने से पहले एक दफ़ा इसको चला लेना ताकि पानी बाहर आ जाए। पानी बाहर आने के बाद अब बारी आ चुकी है इन बेस के अंदर नोज़ल वगैरह को लगाने की और फिर इसको चला के टेस्ट करने की। तो ये आ चुकी है जी हमारे पास नोज़ल, जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। तो अब मैं इसके अंदर सारी की सारी नोज़ल लगा देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, नोज़ल लग चुकी हैं, फ़ैन हो चुका है बिल्कुल रेडी टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले जो है हम इसकी मिस्टिंग चला लेते हैं और फिर चला के चेक करेंगे इसका फ़ैन। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फ़ैन हो चुका है जी पावर ऑन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 की 12 हमारी नोज़ल्स बड़े बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं। वैसे टोटल 11 नोज़लें हैं, एक टी है, तो इसलिए 11 नोज़ल अभी फ़िलहाल काम कर रही हैं और बड़ी बेहतरीन ठंडी ठार हवा आ रही है। तो जिस तरह मैंने आज तक का अपना बड़ा ये फ़ैन बनाया है, इस तरह आप भी अपने घर में इस तरह का ठंडा फ़ैन बना सकते हैं, यानी कि ठंडी हवा ले सकते हैं। और ये आज तक हमने जितनी भी मिस्टिंग फ़ैन के ऊपर वीडियोज़ बनाई है उसमें सबसे बड़ा ये 24 इंच का फ़ैन है जो हमने बनाया है मिस्टिंग के अंदर। आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी ज़्यादा ठंडी ठार हवा आ रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है। आउटडोर में अगर आपके जो है गार्डन वगैरह में ये पड़ा हो और आपको ये बड़ी बेहतरीन ठंडी हवा देता रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि गर्मियों के लिए ये बड़ी बेहतरीन चीज़ आपको पसंद आई होगी वीडियो। और जिस तरह मैंने आज मुकम्मल बनाने का तरीका बताया है, इस तरह आप ले सकते हैं और खुद चीज़ें लेकर खुद बना सकते हैं। तो भाई मुझे जो है बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडी ठार हवा आ रही है और मेरी जो ऐनक के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी आ गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नज़दीक खड़ा हूँ। आपको कम से कम 3-4 फुट इससे दूर रहना पड़ता है ताकि आपका मुंह वगैरह गीला ना हो। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको ये मिस्टिंग फ़ैन के ऊपर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँगा इस तरह मिस्टिंग के रिलेटेड, गर्मियों के प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। तो इस तरह दुआ में याद रखना, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।